दोस्तों आपने स्कूली बसों को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा ही होगा। स्कूल चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे गांव का हो या शहर का हो, सबकी बिल्डिंग अलग होती है, सबकी ड्रेस अलग होती है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लेकिन उन सब में एक कॉमन होता है, एक समान होता है, और वो होता है उनकी बसों का रंग। अगर कोई भी स्कूल अपने बच्चों को बस की सुविधा मुहैया कराते हैं तो उनकी बसों का रंग पीला ही होता है। और ऐसा नहीं है कि स्कूली बसों का रंग भारत में ही पीला होता है, हर देश में जहां भी स्कूली बसों का प्रयोग किया जाता है वहां उनकी बसों का रंग पीला ही होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बसों का रंग पीला ही क्यों होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आज इसी तथ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सबके डॉट इन पे। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं स्कूली बसों का रंग पीला ही क्यों होता है। दरअसल दोस्तों, स्कूली बसों का रंग पीला रखने के पीछे उसमें सफर कर रहे बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है। वर्ष 1930 में इस बात की पुष्टि हुई थी कि पीला रंग अन्य रंगों की अपेक्षा 1.24 गुना हमारी आंखों को जल्दी दिखाई देता है, और यही कारण है कि सड़क पर लगे अधिकतर साइन बोर्डों का रंग पीला होता है। और पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे कम लाइट में भी आसानी से देखा जा सकता है। भारत में वर्ष 2012 में उच्च न्यायालय ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन तैयार की। उस गाइडलाइंस के अनुसार स्कूली बसों का रंग पीला होना चाहिए, स्कूल की बसों पर प्रधानाचार्य का फोन नंबर अंकित होना चाहिए, साथ ही स्कूल का नाम साफ साफ अक्षरों में अंकित होना चाहिए। और ऐसी ही गाइडलाइन भारत के साथ साथ हर देश में जारी की गई। इन्हीं गाइडलाइन के अनुसार स्कूल की सभी बसों का रंग पीला रखा जाता है। तो आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे स्कूली बसों का रंग पीला क्यों होता है। ऐसी ही और अधिक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम फिर आ जाएंगे दोस्तों नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।